हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान से कुछ हमारे दोस्त आए हैं उड़ते हुए हमारे इंडिया में। उनके बारे में आप लोग समझ ही गए होंगे, मैं ग्रास ओपर्स मतलब टिड्डों के बारे में बात कर रहा हूं। तो गाइस, इस वीडियो में आप बहुत कुछ जानेंगे इन टिड्डों के बारे में, तो वीडियो के एंड तक हमारे साथ जुड़े रहे। उससे पहले मैं आप लोग को छोटा सा इंट्रो दे देता हूं मेरे चैनल का। तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है गेट ओएमजी फैक्ट्स के एक और नए कमाल वीडियो में। तो गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करके मुझे जरूर बताइएगा, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो इसी तरीके के इंटरेस्टिंग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल को जरूर दबाइएगा क्योंकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आई होप गाइस आप लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फैक्ट नंबर वन की बात करें तो गाइस अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप ये टिड्डियां पहली बार उड़ते देख रहे हैं और पहली बार इनका नाम आपने सुना है कि ऐसा हमला हुआ है इंडिया के ऊपर, तो गाइस ये पहली बार नहीं है जो इंडिया के ऊपर हमला हुआ है। इससे पहले 1960 और 61 और 62 तीन साल तक लगातार टिड्डियों का हमला ऐसा ही होता रहा था, और उसमें हमारा इंडिया का लाखों का नुकसान हुआ था, लाखों की फसलें ये खा गए थे। फैक्ट नंबर टू की बात करें तो गाइस, इस साल जो इन टिड्डियों का हमला हुआ है ये तीसरे नंबर का सबसे बड़ा हमला है। इससे अलावा भी दो देश ऐसे हैं जिनके ऊपर इससे भी बड़ा टिड्डियों का हमला हुआ था, और इन देशों का नाम है इथियोपिया और सोमालिया। फैक्ट नंबर थ्री की बात करें तो गाइस, वैज्ञानिकों ने एक अनुमान लगाया है कि इन टिड्डियों की जो उड़ने की रफ्तार है वो एक दिन में करीबन 150 किलोमीटर तक है, और ये टिड्डे अगर किसी भी खेत में या फिर किसी हरी जगह पर रुकते हैं तो 20 से 25 मिनट में उस पूरी फसल को बर्बाद कर देते हैं, खा जाते हैं। और पूरी दुनिया में ये 27 सालों में अभी तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है ये टिड्डियों का इंडिया में। फैक्ट नंबर फोर की बात करें तो गाइस, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि 150 किलोमीटर एक दिन में ये पार करते हैं, और अगर इन टिड्डों की हम बात करें गाइस कि अगर ये 1 किलोमीटर लंबा झुंड है तो इसमें करीबन 15 करोड़ से ज़्यादा टिड्डों की आबादी होगी, और अगर ये एक बार बैठ जाएं और 1 किलोमीटर में अगर ये खाने लग जाए तो 15 करोड़ टिड्डे 35,000 लोगों का खाना एक दिन में चट कर जाएंगे। इसी के साथ में गाइस, मैं आप लोगों के साथ में एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूं जो अमेरिका में हुआ था। 1875 के टाइम पर अमेरिका में करीबन 5,12,817 किलोमीटर लंबा टिड्डों का झुंड देखने को मिला था। अगर हम कंपेयर करें किसी प्रदेश से तो दो उत्तर प्रदेश आ जाएं, इतने बड़े एरिया में इन टिड्डों का झुंड देखने को मिला था अमेरिका में। फैक्ट नंबर फाइव की बात करें तो गाइस, दुनिया भर में 11,000 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती है टिड्डों की। फैक्ट नंबर सिक्स की बात करें तो गाइस, टिड्डों के दो एंटीने होते हैं। आप लोगों ने अगर उसे कभी पकड़ा होगा तो 6 पैर होते हैं और 2 जोड़ी पंख होते हैं उन्हें उड़ने के लिए। गाइस, अगर आप लोगों ने कभी भी किसी टिड्डे को अपने हाथ में पकड़ा है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और नहीं पकड़ा है मेरे जैसे फट्टू हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। फैक्ट नंबर सेवन की बात करें तो गाइस, टिड्डा लगभग 2 इंच लंबा होता है, लेकिन आप लोगों को कुछ टिड्डे ऐसे भी देखने को मिल जाएंगे जो 5 इंच तक लंबे हो जाते हैं। और अगर हम बात करें नर और मादा के डिफरेंस में तो गाइस, आप लोगों को मादा हमेशा देखने को मिलेगी बड़ी, नर हमेशा होंगे छोटे। इसी के साथ में मैं आप लोगों को बता दूं, टिड्डे लगभग 25 सेंटीमीटर ऊंचा और करीबन 1 मीटर लंबा कूद सकते हैं। फैक्ट नंबर एट की बात करें तो गाइस, अफ्रीका महाद्वीप और दक्षिण में, और आप लोगों ने चाइना और अमेरिका का तो नाम सुना ही होगा, जहां पर टिड्डों को खाया जाता है क्योंकि इन टिड्डों में प्रोटीन बहुत ज़्यादा तादाद में होता है, इसलिए इन देशों में इसे खाया जाता है। फैक्ट नंबर नाइन की बात करें तो गाइस, टिड्डे अटलांटिक को छोड़कर दुनिया के किसी भी महाद्वीप में आप चले जाएं आपको देखने को मिल जाए। इसी के साथ में गाइस, टिड्डे दिन के टाइम तो बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं, उड़ते हुए आप लोगों ने देखा ही होगा, लेकिन रात के टाइम भी टिड्डे अपना भोजन करना नहीं छोड़ते, रात के टाइम भी ये खाना तो खाते ही रहते हैं। गाइज, अगर आप लोगों को यहाँ तक वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इसी तरीके के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए। फैक्ट नंबर 10 की बात करें तो गाइज, टिड्डों के पास में कोई अपना घोंसला या घर या क्षेत्र या एरिया नहीं होता है कि वहीं पर रहकर वो अपना पूरा जीवन निकाले, क्योंकि उन्हें खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो वो नए नए क्षेत्रों में जाते रहते हैं खाने के लिए। और आमतौर पर टिड्डे शाकाहारी होते हैं। अगर हम बात करें इनके पसंदीदा खाने की तो गाइज, ये घास फूस या फिर मक्का गेहूँ और इस तरीके की हरी सब्जियाँ या हरी फसलों को ही खाते हैं। तो फाइनली गाइज, आज का वीडियो यहीं पर हम ख़त्म करते हैं, और आप लोगों का धन्यवाद। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।